No, no. Actually, I said if I vlog in my place, like in my area, Uttar Pradesh, so girls slap me. जैसा है पहनावा चखे संख्या देखो यहाँ के इनकी लड़कियाँ स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में हूँ। मैं हूँ अभी नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल में और आज है पहला दिन जो कि 10 दिन चलता है फेस्टिवल। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भाई बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगा एंड ट्राइब जो भी है इसका कल्चर दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं हूँ एंट्री गेट पे, ये है आपका एंट्री गेट इसका मेन लैंड जो यहाँ पे सारे प्रोग्राम होते हैं और आज है पहला दिन। तो 1st December है और ये चलेगा 10 December तक। और अभी तो क्या है मैं आपको यहाँ का दिखाऊँगा जो भी हो रहा है, अभी तो ट्राइब तो आया नहीं, ठीक है। ट्राइब आने में टाइम लगेगा तो स्टार्टिंग का जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये है आपका मेन विंडो टू नागालैंड, इसके अंदर सारे प्रोग्राम कॉन्सर्ट वगैरह होता है और सारे ट्राइब जो भी परफॉर्म करते हैं इसके अंदर ही करते हैं। सो अभी देख लो अभी यहाँ पे लोग आए हैं सेल्फी वगैरह कर रहे हैं जो भी यहाँ का मेन विंडो का, और इधर भी बहुत कुछ है। तो पहले हम लोग इसमें इंटर करेंगे, बाद में उसके बाद जाएंगे इस साइड। हम लोग पहले कहते हैं इसके एंटर, नॉर्मल से बात है। और ना जो मॉर्निंग में 1st December को होता है उस दिन पहले पहले मॉर्निंग में तो टिकट सिस्टम होगा नहीं, शाम टाइम टिकट सिस्टम होता है। तो आप चाहें तो मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, बट क्या है आप आइएगा 12-1 बजे के बाद ही, क्योंकि नॉर्मल से बात है एक मॉर्निंग में इतना फेस्टिवल नहीं होता है, फर्स्ट डे तो सब तैयार ही चलती रहती है ना। तो एंट्री पे देखो कितने अच्छे अच्छे स्टैचू बने हुए हैं ट्राइब्स के, ये क्या कर रहा है शंख बजा रहा है। कितना सारे ट्राइब आए हैं, टोटल 17 ट्राइब हैं। पहले आया था 10 ट्राइब जो कि 7 ट्राइब मुझे नहीं पता किस किलोमीटर से नहीं आया था, बट कुछ उनका इशू था। सो बट अब की बहुत है जो यहाँ का मेन ट्राइब है कोन्या ट्राइब, वैसे मेन तो सारे होंगे बट सबसे ज़्यादा कोन्या ट्राइब का यहाँ पे जनसंख्या है जो कि लाइक 1 लाख से ऊपर है, और नंबर 1 कोन्या ट्राइब भी सबसे ज़्यादा माना जाता है बड़े पे, ठीक है। तो वो भी आए भाई, वो फायरिंग बहुत ही खतरनाक वाली करता है। तो यार अभी तो आया नहीं भाई, मैंने कल देखा था मोबाइल भूल गया उसमें रूम में, तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था भाई, फायरिंग कर रहा था खतरनाक वाली। वो अपने आप फायरिंग बनाते हैं गोलियाँ वगैरह बंदूक उससे फायर करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट 1-2-3 वो भी इसके ब्लॉग आएंगे तो उसमें तो नॉर्मल से बात है वो आपका दिखाएगा भाई। ट्राइब 17 है तो समझ सकते हो एक एक ब्लॉग में 17 ट्राइब नहीं दिखा होगा। इसका मेन स्टेज यहाँ पे सारे कॉन्सर्ट प्रोग्राम होंगे और इसमें ट्राइब आएगा अपना डांस करेगा जो भी है प्रोग्राम दिखाएगा। ये जो जगह है आपका सामने वाला ये वाला, इसमें आपका चीफ गेस्ट वगैरह बैठाते हैं, इसमें भीड़ डालते हैं और यहाँ पर आपकी बैठेगी सारी जनता और इस पर भी हम लोग बैठेंगे, ठीक है। सो ऐसा कुछ है, अभी का रीओपनिंग होने में टाइम है, अभी टाइम लगेगा, सब रेडी हो रहा है, बस होने ही वाला है थोड़ी देर में होगा। तो भाई देखो कितने सारे यूट्यूबर व्लॉगर फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रैवलर आता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये अपने इंडिया का सबसे बेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल होता है भाई। ये तुमको देखा ये ड्रम होता है, जैसे हम लोग अपने यहाँ ढोलक वगैरह बजाते हैं यहाँ पर ट्राइब्स लोग ये बजाते हैं, ड्रमिंग करते हैं इस पर, डैम डैम लकड़ी नीचे रखी। ये देखो दोस्तों ये गोल गोल देखे ये उठाएंगे धड़मड़ 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 करके खूब तेज बताते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ आती है ना। इस जो है इस लाइक फेस्टिवल की शुरुआत तो 2000 में हुई थी, ठीक है, नागालैंड में। जो ये जगह है किसामा विलेज जहाँ पे लगता है इसका नाम है किसामा विलेज, पहले दूसरी जगह था, उस जगह का मुझे नाम नहीं पता भाई जहाँ पे पहले होता था, क्योंकि भाई टाइम के हिसाब से अपग्रेड होता गया, लोग बढ़ते गए फेस्टिवल, ठीक है, लोग आते गए ना, बढ़ रहा है अभी भी लाइक हर टाइम के हिसाब से लोग, बहुत ही मैनेजमेंट का बेस्ट है रियली ऑसम, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है ना यहाँ पे लाखों के हिसाब से, तो अच्छी बात है। और भाई यहाँ पे आओ तो यहाँ पे तो नॉर्मल सी बात, फोटो सेशन के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, इसमें लिखा है ना हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022। ये हो गया चर्च के सामा का मैन, ऐसा कुछ है। देखो लड़कियाँ यहाँ पे फोटो वगैरह करा रही हैं, हम भी कराएंगे, सब लोग हट जाएंगे तब। ओके तो वहाँ पर मैं दिखाया था चर्च में तो बंद है, ताला पड़ा है, पहले गया था इसके अंदर प्रे भी किया था आप लोगों के लिए, लाइक मेरे भी लिए भी सभी के लिए जो भी है। और हाँ भाई इधर कहाँ गए, और भाई देखो अभी ये इंडियन आर्मी का कैंप है, इसके अंदर तो दिख नहीं रहे बट है जो भी है, अभी कैंप बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, लाइक अवेलेबिलिटी तो हर चीज़ की है अभी, बट आज 1st day रीओपन डे है ना, रीओपनिंग सॉरी, तो इसी की वजह से कुछ थोड़ा कम लग रहा है, बट अभी भाई आने वाला थोड़ी देर में से अभी SBI है तो टाटा मोटर्स वाले भाई, टाटा तो अपनी शान है, ठीक है। ओके अरे यहाँ पे आ रहे हो आप सोच रहे हो पैसे वगैरह निकालने की दिक्कत होगी, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी देखो SBI का फॉरेन एक्सचेंज भी लगाया गया है, प्लस ये ATM इंस्टॉल ही हो गया शायद, आई थिंक इंस्टॉल कर रहे हैं अभी, मतलब चालू हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब 1st day ही चालू हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसी बात कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी
दिमाग में सोचोगे ना कि यहाँ पे हमको ये फैसिलिटी चाहिए, तो नॉर्मल से बात वो आपको फैसिलिटी मिलेगी 100% मिलेगी भाई। जिनका पैर वगैरह जो भी हाथ गड़बड़ होता है ना, उनको डिसेबल रहता है, उनके प्राउड के लिए रिस्पेक्ट में बनाया गया बोर्ड। और इसके अंदर भी कल्चरल ही थिंग है, मतलब जो उन और भाई ये ना नागर लोग भाई अपने ट्रेडिशन को बहुत ही ख़तरनाक तरीके से फॉलो करते हैं। यहाँ पे तो कैफ़े वगैरह है, यहाँ पे कुशानविल विलेज, मतलब ये इसलिए बनाया गया है, इससे पता चलता है कि इनका गांव ये कुछ इस टाइप का होता है। मैंने तो भाई घूमा ना इनका गांव, बट वो तो 2022 में घूमा था तो दिखाया भी था, अगर चाहो तो पुराने ब्लॉग चेकआउट कर लेना, ठीक है। और ये वाला कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसे होते हैं भाई, बहुत अच्छा प्यारा होता है इनका विलेज भाई। ये शॉप है, मैंने दिखा था 10 कॉफ़ी बार, इसके अंदर देखो मैंने यहाँ से देखो कितने सारे फूड हैं। ये तो इसको बोलते हैं रंबल, और मैंने 2022 में आया था तब खाया था, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने दोबारा भी ट्राई करूंगा। मैंने इसका फ्लेवर भूल चुका हूँ मैं, देखो ये यहाँ कितना प्यारा लगा। अभी रंबल खाया ना यार, पता नहीं पहले खाया था तो मुझे इतना कड़ू नहीं लगा था, मतलब इस बार लगा थोड़ा रम, समझ रहे हो ना, रम जो शराब होती है उसका नाम है रम। मैंने खाया थोड़ा कड़ू कड़ू लगा यार, उसका फ्लेवर ऐसा लग रहा था कि मैं शराब खा रहा हूँ, मतलब पीने के साथ खा रहा हूँ, मतलब भाई सॉरी मैं पीता वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ फ्रेंकली, एक कड़ू कड़ू अजीब टाइप का फ्लेवर था बट मज़ा आ गया। मैंने आपको दिखाया था ना अभी जब वो हॉर्नबिल का गेट था, वहाँ से जब इस साइड से हो गए, मतलब उस साइड से सारा प्रोग्राम ही होता है भाई, अपनी इंडियन आर्मी घूम रहे थे, ये मेन गेट है, उधर से जब इधर आओगे यहाँ पे सारा ट्राइब का घर है, जो भी जितने भी दोस्त मिलेगा, हेरिटेज विलेज ट्राइबल मोरंग्स लाइक, मतलब जो भी है तो इनका घर है यहाँ पे। यहाँ पे सारे जितने 17 ट्राइब हैं, अब की सभी आए हैं, मैंने तो बताया था यार बार बार निकल रहा है, तो ऐसा कुछ सारी मोरंग करके है ट्राइब, यहाँ तो मैंने फोटो खिंचाया था, बोले ठीक है। इनका भाई कैफे का स्टाइल देखो, कुछ पूरा लकड़ियों का बना है कुछ इस टाइप का, और इसमें अवेलेबल तो जोश दारू है। हेलो हाउ आर यू, तो ऐसा कुछ है भाई, यहाँ की लड़कियाँ और जहाँ लोगों पूरे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं ना, हेल्पफुल बहुत होता है, मर ले ऐसे बोलते हैं भाई होता है ऐसा की तरफ, लेकिन यहाँ पे सारे ये है कारो नोकपानते, इसका ट्राइब का घर है। अभी तो तैयारियाँ हो रही सब, अभी ट्राइब बहुत सारे घर पे है भी नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो अभी तो रीओपनिंग है, आज फर्स्ट डे है तो रीओपनिंग का ही शूट कर लूँ मैंने सोचा। ये इनका ट्रेडिशन क्लॉथ जो भी है, तो इस टाइप का कुछ है, प्यारा लगता है ना। मैंने इस टाइप की ड्रेस पहनी थी जब 2022 में आया था, तब मैंने सब पहना था भाई, सच में अमेजिंग था। हम लोग भी पहने क्या इस टाइप का कुछ है, 2022 में जब आया था मैंने इनकी ड्रेस पहनी थी यार, उनके घर गया और उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह पहना दी, कम से कम 8-10 लाख की तो उनकी ज्वेलरी थी जो बता रहे थे, कौन सा इतना फ्रेंडली होगा जो यार इतना एक्सपेंसिव ज्वेलरी अपना पहना दिया। बट वो तो आपकी बार भी ट्राई करेंगे, कुछ जो कोन्या ट्राइब का है मैं उसको ट्राई करना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं फैन हूँ कोन्या ट्राइब का। ये कुछ है, मतलब सर पे पहनते इतना मुझे पता है, अब अपने इनके यहाँ टोपी बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है भाई इसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसे, हैट, हैट है ना एक हिसाब से, हाँ टोपी एक हिसाब से अपने जो हिंदी भाषा में बोलते हैं, तो अभी अपनी तैयारियों में लगे हैं भाई लोग। हेलो, कितने सुंदर लग रहे हैं यार, सच में अच्छे लग रहे हैं भाई। देखो इन ट्राइब्स का कल्चर ऐसा कुछ है भाई, देखो ये जो जानवर हैं ये हिरण का है सर, और भी कई सारे हैं तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता। आप देख लो ये हॉर्नबिल का लकड़ी का बना है, सारा लकड़ी का है, ठीक है। अरे पता है अपने तरफ साउंड वगैरह बोलते हैं, मगर इस यहाँ कुछ और ही बोलते हैं इसको, मतलब मुझे नाम कुछ रिमेम्बर नहीं हो रहा, तो ऐसा इनके घर का कुछ ऐसा दिखता है बाहर से लाइक, वो खाना भैया बना रहे हैं, आग जल रही है यहाँ पे, खाना बनाते हैं यहाँ पे, फूड भी देखो टंगा हुआ है, मीट है किसी चीज़ का बट मुझे नहीं पता इसका। चाखे संग, इसको तो मैंने देखा था, चाखे संग, ये चाखे संग का है ट्राइब का घर, इनका कुछ ऐसा है पहनावा चाखे संग का, देखो यहाँ के इनकी लड़कियाँ।
भाई देखो आज फर्स्ट डे से इतना टूरिस्ट आने लगा कि रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होता है भाई, पीछे से रिकॉर्ड करना पड़ा है, जो भी है बहुत ही है ना। फूड तो दिखाया आए तो फूड तो बनता है ना भाई। यहाँ की टी पता है बहुत ही डिफरेंट होती है, ऑर्गेनिक और बेस्ट होती है। यहाँ पे मैं ले गया था टी यार, मेरी सारी फिनिश हो गई पहले की, आपकी भी, आपकी बहुत ज़्यादा ले जाऊँगा 100%। मुझे बहुत मिस हुआ चाय का, इसका क्या क्या है, रोसल टी 20 रुपी, ये कुछ है ब्लैक राइस, बहुत फ्लेवर है, 3 फ्लेवर यहाँ पे तो है। और ये क्या यार, मुझे तो नहीं पता, प्याज है, नॉर्मल सा बात है। ये तो आपने देखा है यार, बहुत होता है। ये देखो मैकडोवल की शराब की बोतल में पता नहीं क्या है, ये शायद शहद है, हाँ हनी है, हनी चिप्स है कुछ, ये केले का चिप्स है, ये कुछ फ्लेवर्ड है। तो अपने यहाँ जैसे चक्की होती है ना, अब मशीनें आ गई है, पुराना ओल्ड कल्चर है। देखो यहाँ पे इसमें धान निकला है, उस पर डालते हैं, इसको राउंड राउंड करेंगे, देखो छिल रहा है, मगर बहुत इसको राउंड बहुत ज़्यादा करना होता है। अच्छा है, आराम से, आराम से, बहुत ही अच्छा है। एक ले जाना चाहिए तुमको, ठीक है। गाना गा रहे हैं भाई ट्राइब, इनका लोकल ट्राइब का ट्रेडिशनल सॉन्ग, समझे। मजा आया ना, क्यों सर जी? मजा भाई, सर आज को मजा आ रहा है भाई, मेरा तो सेकेंड टाइम है फिर भी मजा आ रहा है, क्योंकि लाइक वेरी फ्रेंडली पीपल, सुंदर सुंदर लोग जा रहे हैं। अब मैं वीडियो बनाता हूँ तो स्माइल भी करते हैं, ठीक है, अगर जो भी है अच्छा है। हमारे यहाँ अगर ब्लॉग करोगे ना तो मारेंगे ऐसे लड़कियों, हमारे यहाँ सच में मारते हैं ऐसे ऐसे हमारे ऐसे। यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो ना ना, एक्चुअली आई सैड इफ आई ब्लॉग इन माई प्लेस लाइक इन माई एरिया उत्तर प्रदेश, सो गर्ल्स स्लैप मी, सो देयर लाइक हेयर गर्ल्स, आई नो लाइक देयर इज काइंड पीपल हेयर इज नागा पीपल वेरी हेल्पफुल गुड। ओ वाओ भाई, सूट हुआ, सूट सूट हुआ भाई, कुछ सुना अभी आपने? देखो कोने ट्राइब ने मारा फायर धड़म से। भाई पहले नहीं आया था, बहुत मिस किया था मैंने इस ट्राइब को, सच में सच में। माय फेवरेट ट्राइब, मेरा बहुत ही फेवरेट ट्राइब है यार ये वाला, कोने ट्राइब है ना इधर, मे बी अभी पता नहीं, मुझे लगा भाई मैंने सोचा फायर किया ना तो मैंने सोचा कि कोने ट्राइब है, लाइक ज़्यादातर ऑलमोस्ट कोने ट्राइब भी फायर करता है, बट मुझे नहीं पता था कि मतलब और भी करते हैं यार, सभी के पास गन होती है यहाँ पे अवेलेबल, छोटे छोटे बच्चे लेके गन घूमते हैं यहाँ पे, पता है मार देते। सच में भाई छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे गन लेके घूमते हैं ना, सच में बोला ना, गाँव में लोग जो होते हैं, हिंदी समझते हो ना, समझते हो, यहाँ पे गाँव में बच्चे लोग गन लेके घूमते हैं ना, बड़ी बात नहीं बात किया ना। एक्चुअली यार ना मतलब मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं यार हो पाता, वो ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश प्रेफर करते हैं, थोड़ा बहुत बात कर लिया फिर उससे ज़्यादा नहीं बात किया था। भाई देखो ये बंदा कैसा पिंक पहना है सर पे, हैट पे, ये देखो है इसका, क्या मुझे नहीं पता, दांत है शायद किसी जानवर के, आई थिंक हाँ सच में 100% भाई होगा। देखो नहीं कहा था भाई, हर ट्राइब का अपना अपना कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज सब डिफरेंट होता है। चलो भाई यार मेरा दोस्त तो नहीं कहाँ चला गया, मैंने सोचा कि ये साला पूरा फेस कैम करूंगा, बट देखो ट्राई करता हूँ। मतलब ये ड्रमिंग मैंने दिखाया था ना इस टाइप का, उसे ऐसा पकड़ो इसको बजाओ, ये तो बड़ा वाला है मगर मैं इसे देखूंगा कैसे, ऐसा आवाज आता है यहाँ पे। मैं ज़्यादा तेज नहीं मानना चाहता, फायदा का कोई कुछ क्या है, बट ट्राई किया बस, आवाज़ नॉर्मल सा है, बट जब ज़्यादा लोग बजाते हैं ना 10-20 लेके तो बहुत ही खतरनाक वाला आवाज़ आता है भाई। घूमते घूमते देखो चेहरा खाला होगा। क्या बोलता रहता हूँ, मतलब ऐसे कुछ गले, अभी कोने ट्राइब गलती से मैंने निकल गया वो वाला कोने ट्राइब,
जबकि वो था ही नहीं। सॉरी, उसके लिए माफ़ करो भाई अपने को। और मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं यार किधर चला गया, जबकि मैंने कल देखा था भाई, मैं आया था पैदल पैदल देखते, पर फेस्टिवल इतना ज़्यादा बड़ा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा किधर जाऊँ। एक तो थक गया बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ना हर ट्राइब की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, बट कुछ चीज़ें मैच करती हैं हर ट्राइब की, जैसे कि उनका खाना ज़्यादातर जब भी ऑलमोस्ट मीट खाते हैं ना, ज़्यादातर हंटिंग करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ये मैच करते हैं, जैसे कि और कुछ ट्राइब गन वगैरह तो ऑलमोस्ट हर ही रखता है, ठीक है। और जो सबसे डेंजर मेरे साथ माना जाता था पुराने, अब इस टाइम तो नहीं है, हेड हंटिंग करते थे कोने ट्राइब, ड्रम से सर अलग करते थे वो लोग, मैं रियल बात बता, कोई मजाक नहीं, ठीक है। तो हाँ, अब भाई 17 ट्राइब है, तुम भी भाई समझ सकते हो कि हर एक ट्राइब का मैं एक सेपरेटली वीडियो भी नहीं बना सकता, ना ही सभी के बारे में इतना मैं भी भाई ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सभी के बारे में बताऊँ, बट मैं अपना बेस्ट देऊँगा भाई, और दे रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ। बट आपका मेन मैटर है कि आप भाई मेरा वीडियो देखें, नहीं देखोगे तो मैं मोटिवेशन नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाऊँगा ना। तो भाई फाइनली इतना इंतज़ार और ढूंढने के बाद मुझे, मतलब मैं यहीं था, मैं गलती से चला गया नीचे, मेरा फेवरेट कोन्याक ट्राइब मोरंग सबसे फेमस है, यहाँ का ट्राइब सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी वाला ट्राइब कोन्याक। देखा मैंने भाई सॉरी यार, कहाँ से आ गई, कहा था सभी के पास गन होती है, ये देखो भाई गन, और ये भाई डुप्लीकेट नहीं, सारी चलती हैं, वर्किंग है, ये अपने आप ही बनाते हैं, अपने ही चलाते हैं। मेरा फेवरेट वाला ट्राइब, सबसे फेवरेट भाई, इसका साथ में बहुत एक मतलब एग्रेसिव कल्चर रहा है इनका पुराना, और सबसे बेस्ट भी मुझे यही लगता है, ये अपने रिस्पेक्ट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट भी बहुत देते हैं भाई, साथ में वेरी हेल्पफुल काइंड पीपल होते हैं, मैंने तो बार बार बताया होगा। अमेजिंग है, मैं लाइफ में पहली बार देखा पास से वो भी गन फायरिंग करते हुए, मैंने नहीं देखा अभी तक यार। और ये इसको बोलते हैं दाओ, दाओ हाँ आई थिंक यही बोलते हैं, मैं भूला नहीं यार, दाओ बोलते हैं ना जो तलवार होती है, दाओ। क्या नाम है आपका? आपका पंखो है। पंखो है, कैसे अच्छे हो? अच्छा है। गुड, हिंदी समझते हो कि नहीं? हिंदी आती? हिंदी आता है, बढ़िया। एक्चुअली ना यहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादातर इंग्लिश सबको समझ में आता है, हिंदी समझ लेते हैं, बट अच्छी बात है यार सच में आपका, मैं कोन्या ट्राइब मेरा फेवरेट ट्राइब है, सबसे फेवरेट वाला। तो अंकल जी देखो खड़े हैं, आओ थोड़ा अंदर दिखाएं आप भाई, यहाँ आए तो थोड़ा घर तो दिखाना पड़ेगा। कोन्या का ट्राइब, पहले तो भाई ये वाला मिस किया था, पहले भाई नहीं आए थे, आपके आए तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये जो हॉर्नबिल का पक्षी का है तो है, ये इनका मेन है, ये कोन्याक प्लस गन, ये इनका स्टैचू बनाया हुआ है, ऊपर शेर है, क्योंकि ये नंबर वन मतलब सबसे यही माने जाते हैं ना, इसलिए इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए जाते हैं। हाँ, सभी तो लकड़ी का है, लकड़ी का ही बनता है वो, अंदर तो ड्रम में बजाने वाला होता है, और ऐसे खाना बनाते थे लोग पहले, इस पर रखते हैं मतलब नीचे आग जलती है, मैंने दिखाया था ना, ज़्यादातर घरों का तो थोड़ा सेम सेम मतलब डिजाइन है, बस कल्चर सभी का अलग है, कुछ फायरिंग करता है, कुछ तलवार भी रखता है। वाह, अभी फायरिंग कितनी खतरनाक वाली थी भाई, लाइफ में पहले ऐसा कुछ देखा, मतलब सेकंड फर्स्ट टाइम जब आया था तो था ही नहीं ना, मैंने तो पहले अभी नागालैंड आया था, बट उस टाइम ड्राइव ही नहीं आया था भाई, आपके तो पूरा मजा आया, अभी तो फर्स्ट डे भाई, फर्स्ट डे कितना मजा आया था। क्या है अभी तो फर्स्ट डे, तब इतना खतरनाक वाला मजा आ रहा, जब सेकंड थर्ड और भी करेंगे तो होता भी और भी अच्छा होगा, लाइक हर दिन डिफरेंट ही होता है यहाँ पे हर चीज़। अभी तो मैंने प्रोग्राम आपको दिखाई ना, जो कॉन्सर्ट होगा यहाँ पे नीचे, उसमें तो आप छा जाओगे यार, बट देखोगे तभी तो समझ में आएगा, जब देखोगे नहीं वीडियो तो कहाँ से समझ में आएगा तुमको। देखा भी कोन्या ट्राइब को, मैं एक बात बताऊँ, 2022 में नहीं आया था तो उसका रीज़न तो पता है, बट मैं वो एक पॉलिटिकल इशू तो मैं उसको बताऊँगी नहीं बिल्कुल, बट मैं एक मेन चीज़ बताऊँ, अगर भाई पता है इस साल भी कोन्या ट्राइब नहीं आता ना, तो क्या इनके टूरिज्म में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आता, लाइक कम पड़ता,
और ये आता है तभी इनका टूरिज्म बढ़ता है, क्योंकि मैंने आपको जो भी बताया भाई आप गूगल कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए कोने ट्रैक के बारे में, ठीक है। और हाँ आज के लिए तो इतना ही है, और अभी मैं जाता हूँ, अभी तो एंड नहीं सॉरी, बट मैं जल्दी आपको वीडियो एंड कर लूँगा, क्योंकि जो अब देखने को मिलेगा अगला वाला तो कॉन्सर्ट दिखाऊँगा भाई। अभी तो बहुत सारे ट्राइब रह गए, शायद मे भी 10 ट्राइब रह गए होंगे, अभी 5-6 तो मैंने अभी कवर किया भाई, तो वो भी दिखाऊंगा टाइम कैसा, क्योंकि मेरे पास अभी 4-5 दिन है, तो 4-5 दिन में जो भी हो पाएगा जैसे हो पाएगा वैसे करूंगा भाई। यहाँ ना मैं यहाँ पे बैठा हूँ जहाँ पे प्रोग्राम होगा कॉन्सर्ट, सारे ट्राइबल प्रोग्राम यहीं पे होता है डेली बाई डेली। ओके तो ऐसा कुछ अभी मैंने दिखाया था, बहुत ही बड़ा बना था स्टेडियम, लाइक अच्छे से मैनेजमेंट बेस्ट क्वालिटी का है, सही से है, सिक्योरिटी भी बेस्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सही है। तो ऐसा कुछ बैठने का लाइक बैठने का सिस्टम तो बहुत है, 1-2 उधर तो चीफ गेस्ट बैठता है ज़्यादातर, चीफ जो मेन आते हैं, इंटरनेशनल भी गेस्ट आते हैं, प्लस अपने इंडिया के भी जो मंत्री जंत्री हैं, ठीक है वो सब आता है। ये ब्लॉग तो अच्छा ही लगा होगा, और मुझसे बात अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर ना अच्छा लगा तब भी बताइएगा, ठीक है। और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं भी कॉन्सर्ट दिखाऊँ, मैं पहले ही बता देता हूँ भाई कॉन्सर्ट होगा, सबसे बेस्ट यहाँ का कॉन्सर्ट होता है। इसके पहले जब आया था तो क्या यार पावर बैंक ख़राब हो गया, मोबाइल भी प्रॉब्लम कर गया, फिर मुझे टाइम भी नहीं आता, 2 दिन का यहाँ पे ट्रिप था मेरा, क्योंकि मुझे नागालैंड सारा कवर करना था ना, तो नॉर्मल से बात है। और फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ था भाई, अगर आप देखते हो पुराने हो तो सब्सक्राइबर तो तुमको पता होगा, ऐसा तो नए हो तो नहीं पता होगा, बट अगर आप चेकआउट करोगे पुराने ब्लॉग तो सारी स्टोरीज पता चल जाएगा, पुराने क्या हुआ था, सो पुराना क्या जो भी है। तो अभी क्यों मैं बताऊँ, मैं भी ये वाला ब्लॉग तो आज ही आ गया, ठीक है, जो नेक्स्ट है मैं भी कल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बेस्ट ऐप की, तो मतलब मैं टाइम पे अपलोड करता रहूँगा। पहले था इंटरनेट बहुत ही ख़राब था, अपलोड करने में दिक्कत होता था, तो जो भी है तब तक के लिए भाई नमस्ते, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, ओके।